सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करके भी दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आपको यहाँ पर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी भी दी गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी एक वैकेंसी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर पोस्ट कोड अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से मोबाइल नंबर फिल करना होगा, ईमेल आईडी आदि आपको यहाँ मेंशन करने के बाद दोनों चीज़ें वेरीफाई करानी होगी और आपको यहाँ पर अदर जानकारी आपको देनी होगी। डिक्लेरेशन को रीड करना है। आई एग्री करने के बाद कैप्चर कोड आपके सामने हर बार नया आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आएगा फॉर्म फिल करना होगा। कहने की बात ये है आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। 1400 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है हेड कांस्टेबल ट्रेडमैन प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन आवेदन फिल कर पाएंगे, कितने यहाँ पर आपकी हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो सीआरपीएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। अब अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी कोने से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए केवल मेल कैंडिडेट के लिए 80+5 सेंटीमीटर का फ्लाव भी होना अनिवार्य है। जो आपको दौड़ लगानी होगी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर के लिए 4 मिनट का समय भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी भी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एड्रेस डिटेल, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई और आईडी नहीं दे सकते, यानी कि आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ हाइट नापी जाएगी, रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा हेड कांस्टेबल वैकेंसी के लिए, यानी टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। आपको जहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है 1458 वैकेंसी दी गई टोटल, यानी कि 1400 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जो पोस्ट नेम होगा टोटल आपको यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी दी गई है, हेड कांस्टेबल के लिए रहेगी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। कौन सी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी रहने वाली है उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल के लिए आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, यूआर के लिए 532 वैकेंसी होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 132, ओबीसी के लिए 355, इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जो स्टेनो की वैकेंसी होगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, इस भर्ती कंप्लीट जानकारी आप यहाँ को चेक कर पाएंगे। इस भर्ती जो पे स्केल रहेगा, यानी कि जब यहाँ पर सैलरी दी जाएगी हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए 25,500 लेकर 80,100 रुपये रहेगी, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए 29,200 लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक आपको वेतन दिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यूआर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रहेगा और एससीएसटी फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे, और आपको फीस पेमेंट करनी होगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक या फिर बैंक चालान द्वारा ही आप इनको पे भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपकी 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। ओबीसी वालों के लिए 18 से 28, असिस्टेंट कैंडिडेट के लिए 18 से 30, जो काउंट की जाएगी 25 जनवरी तक की जाएगी, यानी 25 जनवरी को आपकी जनरल 18 से कम होने 25 से
ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको एज में छूट दी गई है SST वालों 5 रेट दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 रेट छूट भी आपको दी गई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न होगा यानी जो सिलेबस रहेगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। टोटल आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट यहाँ पर 25-25 नंबर के रहने वाले हैं और 25-25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे, यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 100 नंबर और 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ड्यूरेशन आपको यहाँ पर 2 घंटे रहने वाला है। इस भर्ती में फिजिकल डिटेल होगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है, बस आपको हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको एक टाइपिंग आती है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए भी यहाँ पर 12वीं पास होना अनिवार्य है, बस आपको स्टेनो ज्ञान भी होना अनिवार्य है। इस भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉग इन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आएगा फॉर्म फिल करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर कौन सी वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना है, कैंडिडेट का फुल नेम, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, वेरीफाई आपको यहाँ पर कराना होगा, उसके बाद से आएगा फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। 4/1/2023 से यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 25/1 तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया गया है। सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे और सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर भी दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।